टीम इंडिया के मौजूदा समय में सुनहरे दौर से गुजर रही है। नए कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया लगातार विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा रही है। विजय रथ पर सवार टीम इंडिया को रोकना बाकी टीमों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। अब भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज में टीम इंडिया ने श्रीलंका टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। पिछली T20 सीरीज में टीम इंडिया के सामने हर टीम काफी फीकी साबित हो रही है। लगातार प्लेइंग 11 में बदलाव करने के बावजूद भारतीय टीम जीतने में कामयाब हो रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत नदारद थे, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया है। और इस बड़ी जीत के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा खुश दिखाई दिए और रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। खिलाड़ियों को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो आपको हैरानी में डालेंगी। तो वहीं पर रोहित ने इस ऐतिहासिक श्रृंखला के तीन हीरो के कौन से नाम लिए हैं और खुद रोहित ने कौन सा बड़ा बयान दिया है वो हम आपको इस वीडियो में आगे जाकर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, उन तीन खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो विलन से हीरो बन गए हैं और T20 श्रृंखला को जिताने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। और रोहित शर्मा ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को धर्मशाला में सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाते हुए 6 विकेट से श्रीलंका को मात दे दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय T20 में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में अफगानिस्तान और रोमानिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारतीय टीम की T20 में लगातार 12वीं जीत थी और इसके साथ ही वो अफगानिस्तान और रोमानिया के साथ साझा रूप से अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार सबसे ज्यादा 12 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले सिर्फ 2 ही टीमें लगातार 12 T20 मैच जीत पाई थी और टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ा इतिहास इस मामले को लेकर रच दिया है। और इस जीत को लेकर उन तीन खिलाड़ियों के बारे में आइए पहले तो जानते हैं और उसके बाद जानेंगे रोहित के उस बयान के बारे में जो आपको हैरानी में डालेगा। खैर, इस सीरीज से पहले ये तीन खिलाड़ी विलन साबित हो रहे थे, लेकिन इस सीरीज में हीरो रहे हैं ये तीन खिलाड़ी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो ईशान किशन का आता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ निराशाजनक सीरीज गुजरने के बाद टीम इंडिया के बाएं हाथ की विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सभी को मायूस किया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में सीरीज में शुरुआत होते ही ईशान किशन अपनी लय में वापस आ गए। उन्होंने भारत बनाम श्रीलंका सीरीज के पहले मैच में ताबड़तोड़ 56 गेंदों में 89 रन बना डाले। ईशान किशन ने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े। पारी की इतनी आक्रामक शुरुआत के बाद टीम इंडिया की बाकी बल्लेबाजों ने भी श्रीलंका के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। हालांकि ईशान किशन मैच जिताने में पहले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम इंडिया को जीत जरूर दिलाई है। पहले ही मैच में श्रीलंका को बैकफुट पर धकेलने वाले ईशान किशन इस सीरीज में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम रविंद्र जडेजा का आता है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लगभग 2 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख रहे थे। उन्होंने अपनी वापसी का एहसास पहले मैच से ही करा दिया था। हालांकि जडेजा को पहले मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने पहले मैच में अपने कोटे के 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 1 विकेट झटका। इसके बाद धर्मशाला के मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मैच में रविंद्र जडेजा के नाम से मोहाली क्रिकेट ग्राउंड गूंज उठा। एक मुश्किल से दिख रहे रन चेज में सर जडेजा ने 18 गेंद में 45 रन की आतिशी पारी खेलकर जीत को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। जडेजा ने इस पारी के दरमियान 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया और टीम इंडिया को जीत दिलाने में इस खिलाड़ी का योगदान तो रहा ही है, लेकिन तीसरा वो खिलाड़ी है जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। भारत बनाम श्रीलंका इस सीरीज में भविष्य के श्रेयस अय्यर प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। इस बल्लेबाज ने सीरीज में इतना कमाल प्रदर्शन किया है कि इसकी व्याख्या शब्दों में करना बेहद कठिन है। श्रेयस ने इस सीरीज के तीनों मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को अपने दम पर मैच जिताया है। हैरानी की बात है कि अय्यर इस सीरीज में एक भी बार आउट ही नहीं हुए हैं। श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में 28 गेंद में 57 रन, दूसरे मैच में 44 गेंद में 74 रन का योगदान दिया और तीसरे और आखिरी मैच में तो लाजवाब 45 गेंद में 73 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को मैच जिताया है। इस लिहाज से उन्होंने 3 मैचों की T20 सीरीज में कुल 204 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर उभरे हैं और इसके लिए उन्हें सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। हमारे लिए श्रेयस अय्यर ऐतिहासिक सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जो चीजें एक साथ आती है उनका पैटर्न होता है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है और सीरीज से काफी सकारात्मक बातें निकल कर सामने आई है।
हम समझना चाहते थे कि हमारे पास किस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है और उन लोगों का मौका देना चाहते थे। हमें खुशी है कि उन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया, खासतौर पर श्रेयस अय्यर। बात करेंगे ईशान किशन की, जिन्होंने काफी अच्छे से बल्लेबाजी करी पहले और दूसरे मुकाबले के दरमियान। और हम बात करेंगे रविंदर जडेजा की, जिसने आकर टीम इंडिया की ऑलराउंडर और फिनिशर की भूमिका को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा का कहना है कि पूरी टीम का एफर्ट था, हर एक खिलाड़ी ने अच्छा योगदान दिया, लेकिन खासतौर पर उन तीन खिलाड़ियों के बारे में तो तारीफ की ही जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।